Guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Code Keen. So, पहले कुछ वीडियोस में हमने API decorator के बारे में देखा था कि API decorator क्या होता है और Django Rest framework के बीच में क्या differences होते हैं और Django कैसे install करते हैं. अगर वो वीडियोस देखे ना हो तो प्लीज़ उन वीडियोस को देख लेना. तो अब इस वीडियो में हम सीरियलाइजर्स को देखेंगे कि सीरियलाइजर्स क्या होते हैं और सीरियलाइजर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेरी सेट को जेसन में कन्वर्ट करने के लिए. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं सीरियलाइजर क्या होता है. जो Django के अंदर सीरियलाइजर होता है उसका काम होता है जो भी हम क्वेरी सेट में डेटा लेकर के आते हैं. सपोज दैट अगर कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर से हम डेटा लेकर के आए student.object.all, तो उसने हमें एक क्वेरी सेट रिटर्न किया और वो क्वेरी सेट हम फ्रंट एंड में तो भेज नहीं सकते हैं क्योंकि अगर हम उसको कोई प्रोटोकॉल होती ना कि जो डेटा होता है फ्रंट एंड से बैक एंड से फ्रंट एंड में जो जाता है उसके या तो कई फॉर्मेट्स होते हैं. XML में डेटा भेज सकते हैं, JSON में डेटा भेज सकते हैं और भी कई तरह से डेटा भेज सकते हैं, ठीक है. लेकिन हम मेजरली Django में या फिर कोई भी API जब बनाते हैं आज के एरा की बात करें तो हम JSON में डेटा भेजते हैं. तो उसी लिए जो Django सीरियलाइजर होता है उसका काम ये होता है जो भी क्वेरी सेट होता है उसके हिसाब से वो उसको JSON में कन्वर्ट करके भेजता है. तो सीरियलाइजर को काम करने के लिए सबसे पहले हमें एक सीरियलाइजर बनाना पड़ेगा मॉडल सीरियलाइजर मॉडल करके. तो हम एक मॉडल बना लेते हैं स्टूडेंट का models.model और हर एक स्टूडेंट का क्या होता है नेम होता है, कैर फील्ड हो गया, देन उसके बाद उसकी एज हो गई है ना. एज इज इक्वल टू models.integer फील्ड और ये डिफ़ॉल्ट में ले सकते हैं हम 18. ओके सो 18 के बाद और उसके बाद में और भी उसका क्या हो गया और क्या हो सकता है नेम हो गया, एज हो गया और फादर्स नेम हो गया, ठीक है. कैर फील्ड ऑफ 100. तो ये 3 डेटा था नेम, एज और फादर नेम. ओके सब. अब हम क्या करते हैं इस डेटा को हम सेव कराते हैं. उससे पहले हमें माइग्रेट करना पड़ेगा. तो करते हैं python manage.py make migrations python manage.py migrate python manage.py रन सर्वर के बाद अब हम एक इसके अंदर सीरियलाइजर्स नाम से क्लास बनाते हैं. serializers.py करके. अब देखो Django जो रेस्ट फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर एक बहुत सारे सीरियलाइजर होते हैं. हाइपर लिंक सीरियलाइजर होता है, एक जो नॉर्मल सीरियलाइजर होता है और एक होता है मॉडल सीरियलाइजर. मेजरली हम मॉडल सीरियलाइजर को यूज़ करते हैं और मॉडल सीरियलाइजर यूज़ करना काफ़ी इजी भी होता है. तो चलते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में. जैसे डॉक्यूमेंटेशन से मैं तुम्हें इस तरीके से बता रहा हूँ कि कैसे एक डेवलपर मैं भी जब कोडिंग करता हूँ या फिर कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट बना भी रहा होता तो डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देखता हूँ. कोई भी पर्सन होगा डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देखेगा. सो स्टार्ट करते हैं सीरियलाइजर से. ओके सो सबसे पहले जो हमारे पास सीरियलाइजर होता है हम मॉडल सीरियलाइजर देखेंगे और जो अलग अलग तरीके के सीरियलाइजर हाइपर लिंक और जो अलग एक सिंपल सीरियलाइजर होता है उनमें उनको भी हम देखेंगे. सो मॉडल सीरियलाइजर पे चलते हैं. तो ये हमारा होता है मॉडल सीरियलाइजर. इसको इंपोर्ट करने के लिए हम करते हैं फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इम्पोर्ट सीरियलाइजर करके. यहाँ पे ऊपर में होगा ये फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क इम्पोर्ट सीरियलाइजर. इम्पोर्ट हम करते हैं क्या सीरियलाइजर को. देन उसके बाद चलते हैं नीचे के साइड में जहाँ पे हम अपने मॉडल सीरियलाइजर को यूज़ करेंगे. तो देखो मॉडल सीरियलाइजर बहुत इजी होता है. उसके अंदर हमें क्या करना होता है हम बस सीरियलाइजर का नाम देते हैं. जैसे हमारा जो मॉडल का नाम है वो क्या है स्टूडेंट, तो हम इसका भी नाम थोड़ा उससे मिलता जुलता देंगे. नेमिंग कन्वेंशन को यहाँ पर ध्यान रखेंगे. फ्रॉम स्टूडेंट सीरियलाइजर, ठीक है. ये इनहेरिट करेगा कहाँ से सीरियलाइजर डॉट मॉडल सीरियलाइजर से, ठीक है. अब ये मॉडल सीरियलाइजर यूज़ कर रहा है तो हमें यहाँ पे एक क्लास मेटा करके पहले तो मॉडल को इंपोर्ट कर लेते हैं. फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट ऑल, सारे जो भी मॉडल्स हमने बनाए हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं. तो ये क्या करता है एक क्लास मेटा करके चीज़ होती है. इसके अंदर मेटा में हमें इसे मॉडल का नाम देना होता है. तो मॉडल का जो नाम है हमारे वो क्या है स्टूडेंट। अब इसके अंदर फील्ड्स होती हैं, लाइक कौन कौन से फील्ड को हमें सीरियलाइज करना है। तो इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, लाइक फील्ड्स ले सकते हैं। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? देखो ये हो गया फील्ड में, क्या हो गया अगर हम इसमें कोड में ही आते आते हैं सही रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे दे सकते हैं क्या फील्ड करके, यहाँ पे फील्ड्स करके। तो ये क्या करेगा, ये फील्ड उन्हीं फील्ड को सीरियलाइज करेगा। तो फील्ड में हमें कौन कौन से सीरियलाइज करना है, लाइक हमें आईडी बैकएंड से नहीं भेजनी है, हमें आईडी नहीं उधर से चाहिए, हमें बस क्या चाहिए, क्या उसका नेम चाहिए और उसकी एज चाहिए। अभी हमें फादर्स नेम भी नहीं चाहिए। तो ये क्या करेगा, जो भी डेटा जेसन करेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फील्ड को ऐड करेगा। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इन दोनों फील्ड को जगह पे वो सिर्फ और सिर्फ, मतलब मान लो हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसमें 50 फील्ड है, तो हम 50 फील्ड को तो लिखेंगे नहीं, और हम चाहते हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड हट जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है एक्सक्लूड करके। तो लाइक सपोज करो यहाँ पे बहुत सारा हम स्टूडेंट का डेटा स्टोर कर रहे थे, नेम, एज, फादर्स नेम, क्लास, है ना, फलाना दिमाग का, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर स्टोर कर रहे थे। ठीक है, तो अब हमें क्या हुआ सॉरी सो अब हमें क्या करना था, बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर रहे, तो हम 50वीं चीज़ को तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं, और हमें उसमें से रिमूव क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आईडी। तो हम यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, लाइक आईडी दे देंगे। तो वो क्या करेगा, सारी चीज़ को सिर्फ सीरियलाइज करेगा बट उसमें आईडी को ऐड नहीं करेगा। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। ठीक, और क्या होता है, अब हम चाहते हैं कि सारी की सारी फील्ड इंक्लूड हो जाए, लाइक हम चाहते हैं कि हमारी 50 फील्ड नहीं, 50 की 50 फील्ड ऐड हो जाए, एक्सक्लूड ना लगाएं ना तो हम फील्ड लगाएं। तो हम यहाँ पे फील्ड की जगह पे लिख सकते हैं लाइक __ ऑल। तो ये क्या करेगा, सारी फील्ड को सीरियलाइज कर देगा। और हमेशा ध्यान रखना, तुम्हें ये चीज़, इन तीनों में से एक चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी मॉडल सीरियलाइजर के अंदर। तो हमारा ये स्टूडेंट सीरियलाइजर पहले बन चुका है। अब हम चलते हैं एडमिन पैनल में, जहाँ से हम इस डेटा को पहले ऐड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। पाइथन manage.py और क्या कर सकते हैं, लाइक माइग्रेशंस। आई थिंक हमने होम ऐप को settings.py में ऐड नहीं किया है अभी तक, ऐड तो किया है और मॉडल्स में भी है। देन वाई दिस इशू, लाइक अच्छा सॉरी, स्टूडेंट फील्ड पहले ही बन चुकी थी। देन उसके बाद रन सर्वर करते हैं और अपने एडमिन में चल करके इस मॉडल को पहले रजिस्टर करते हैं। admin.site.register students। ओके, और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम इंपोर्ट ऑल। अब चलते हैं एडमिन पैनल की तरफ। आई थिंक लाइक क्रिएट सुपर यूज़र नहीं बनाया है, उसको बना देते हैं। पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूज़र। ठीक है, अब एडमिन पैनल के अंदर लॉगिन करते हैं। उसके बाद ये जो हमारा स्टूडेंट मॉडल है, इसके अंदर हम कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, लाइक एक नेम है स्टूडेंट का, रमेश कुमार। ओके, और फादर्स का नाम है उसके लाइक शिवम। ओके, सो स्टोर कर लिया। और हम डेटा स्टोर करते हैं शिवम। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास 2 डेटा स्टोर्ड हैं। तो अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने व्यूज़ में। जो ये हमारा व्यूज़ है, इसको हम करते हैं गेट रिक्वेस्ट। गेट करने के बाद में हम यहाँ से जो डेटा है हमारा, उसको पहले ले करके आते हैं। तो इसमें भी पहले हमें मॉडल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करते हैं मॉडल्स को फ्रॉम .models इम्पोर्ट ऑल। उसके बाद में यहाँ पे करते हैं स्टूडेंट objs = स्टूडेंट ऑब्जेक्ट .all। और उसके बाद अपने सीरियलाइजर को इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम .serializers इम्पोर्ट ऑल। और अगर हम अभी देखो, मैंने क्या बताया था, जो भी डेटा होगा उसको हमें सीरियलाइज करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हम इस डेटा को यहाँ भेजेंगे तो ये एरर फेंक देगा, बहुत भयंकर वाली। अब स्टार्ट करते हैं लाइक सीरियलाइजर्स को यूज़ करना। हमारे सबसे पहले तो क्या करते हैं, फालतू के जो टैब हैं उनको कर देते हैं बंद। फालतू के टैब हो गए हैं बंद। अब हम करते हैं अपने सीरियलाइजर को यूज़। तो पहले एक वेरिएबल बनाते हैं सीरियलाइजर करके, और जो हमारा सीरियलाइजर है वो स्टूडेंट सीरियलाइजर है। उसके अंदर हम जो भी हमारा क्वेरी सेट आया है उस क्वेरी सेट को हम इसके अंदर पास कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे हमें मैन इज इक्वल टू ट्रू लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बल्क में डेटा आ रहा है। ओके, सो अगर ये सिंगल ऑब्जेक्ट होता तो हमें मैन यहाँ पे ट्रू नहीं लगाना होता, बट यहाँ पे बहुत सारे क्वेरी सेट आएगा, मतलब बहुत सारा डेटा हो सकता है, तो यहाँ पे मैन इज इक्वल टू ट्रू लगाना पड़ेगा। फिर जो ये डेटा आता है इसके अंदर से एक्सेस करने के लिए जो भी हमारा वो होता है, लाइक जो भी डेटा होता है उसको हम सीरियलाइजर डॉट डेटा करके एक्सेस करते हैं, सीरियलाइजर डॉट डेटा। अब अगर हम इसको रीलोड करेंगे पेज को जा करके, तो ये हमें डेटा मिलेगा इस तरीके का कुछ। ठीक है, आई थिंक सेव करना भूल गए हैं, सेव करते हैं इसको। अब पेज को रीलोड करते हैं तो देख सकते हो इस तरीके का डेटा आ रहा है। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने सीरियलाइजर में। अब हमने यहाँ पे लिखा हुआ था क्या, ऑल। अब हम यहाँ पे करते हैं ये वाली फील्ड्स को ऐड ऑन करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नेम और एज वाली फील्ड आएंगी। ठीक है, नेम और एज करके फील्ड आ गई। अब हम सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सक्लूड करेंगे तो ये क्या करेगा, केवल आईडी फील्ड को तो हटा देगा, बट बाकी सारी फील्ड को वो रखेगा, जैसे नेम, एज हो गया, या और भी बहुत सारी जो फील्ड्स होती उन्हें ये रखता। तो इस तरीके से लाइक ये मॉडल सीरियलाइजर का कॉन्सेप्ट था कि मॉडल सीरियलाइजर में हम कैसे गेट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी पोस्ट रिक्वेस्ट की तरफ। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक एपीआई बनाई थी गेट रिक्वेस्ट की, वैसे ही हम एक अलग एपीआई बना लेते हैं पोस्ट की। तो चलते हैं डेफ और पोस्ट स्टूडेंट करके एक हमने फंक्शन बना लेते हैं जो कि रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट को लेगा, और यहाँ पे हम अपने एपीआई डेकोरेटर को यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, पोस्ट मेथड। देन उसके बाद में हमें जो डेटा है वहाँ से ले करके आना पड़ेगा रिक्वेस्ट डॉट डेटा करके। इसमें जो मतलब जो भी हमारा फ्रंट एंड से डेटा आता है वो हम रिक्वेस्ट डॉट डेटा करके ले सकते हैं। अब हम इसको प्रिंट करा के दिखाते हैं, प्रिंट डेटा, या फिर यहाँ पे हम इसको रिटर्न भी करा सकते हैं। लाइक इस तरीके का जो भी हमारे पास डेटा आता है स्टेटस, और यहाँ पे जो भी डेटा आएगा उसको हम यहाँ पे भेज देंगे मैसेज करके। यू सेंड करके। अब देखो यहाँ पे हम नॉर्मल पहले तो इस यूआरएल को हमें रजिस्टर कराना पड़ेगा urls.py करके पाथ स्टूडेंट कर लेते हैं। ओके, और स्टूडेंट ओ बी पोस्ट स्टूडेंट करके हमने इसको इंपोर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं लाइक जो अपना जांगो का वो होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट में जब आए तो हमें देखो जांगो जो रेस्ट फ्रेमवर्क होता है वो हमें पहले ही दे देता है कि यहाँ पे हम लोग इस तरीके की चीज़ें यहाँ से भी पोस्ट डेटा को भेज सकते हैं। लेकिन हम अपने एपीआई टेस्टिंग के लिए या तो थंडर क्लाइंट यूज़ करेंगे, या तो फिर हम यूज़ करेंगे क्या, पोस्टमैन। और मुझे ये ज़्यादा सही लगता है क्योंकि इसमें मतलब हमें बार बार इधर उधर नहीं जाना पड़ता, क्योंकि एक ही ऐप में हमारा काम हो जाता है। और पोस्टमैन को भी हटाओगे तो इधर से उधर जाने के लिए, तो मतलब व्हाट आई विल रिकमेंड इज़ लाइक थंडर क्लाइंट। ठीक है, सो करते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट। सो अब जब यहाँ पे हमें बॉडी को भेजना पड़ेगा, बॉडी में यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा जेसन। अब हम यहाँ पे करते हैं कुछ डेटा भेजते हैं, लाइक नेम भेजते हैं कोड कीन, और लाइक और क्या भेज सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं हेलो फ्रॉम कोड कीन। अब अगर हम इस डेटा को भेजेंगे तो ये हमें इस तरीके से देखो डेटा आ गया, लाइक स्टेटस आ गया 200 का, पेलोड जो हमने भेजा था, हमने डेटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम प्रिंट भी कराए थे, नेम कोड कीन मैसेज हेलो। तो इस तरीके से जो हम फ्रंट एंड का डेटा है वो बैक एंड में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लाइक रिक्वेस्ट डॉट डेटा करके। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए होगा, लाइक जब हम यहाँ पे अपने सीरियलाइजर में जाते हैं, सीरियलाइजर में हमने क्या किया हुआ, हमें नेम और एज चाहिए होगी, और उसी सीरियलाइजर से हम पोस्ट रिक्वेस्ट को मतलब एक अपना रिकॉर्ड क्रिएट करवाएंगे, तो उसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे सीरियलाइजर करके एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद में स्टूडेंट सीरियलाइजर, और data is equal to request dot data और उसके बाद हम यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे लाइक इफ serializer dot is underscore valid। अगर ये is valid है सॉरी अगर नॉट इज वैलिड है तो हमें क्या कर रिटर्न कराना पड़ेगा समथिंग वेंट रॉन्ग करके। ठीक है रिटर्न करा दिया रिस्पॉन्स और यहाँ पे हम भेजते हैं रिस्पॉन्स में हम भेज सकते हैं लाइक 403 और मैसेज में समथिंग वेंट रॉन्ग करके समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है अब हम क्या करते हैं लाइक अगर हमारा serializer वैलिड है तो serializer डॉट सेव मेथड कॉल करेंगे serializer डॉट सेव और इंडेंटेशन अपनी सही कर लेते हैं। ठीक है और उसके बाद में हम यहाँ पे serializer डॉट डेटा भी भेज सकते हैं। तो अब हम इस पोस्ट रिक्वेस्ट को यूज़ करेंगे और हमें पहले चाहिए क्या होगा यहाँ पे हम भेजते हैं नेम और यहाँ पे हमें चाहिए होगी एक एज में डाल देते हैं लाइक 23 और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं लाइक समथिंग वेंट रॉन्ग और यहाँ पे हम अपनी एरर्स को प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट serializer डॉट एरर्स करके या फिर इन serializer डॉट एरर को हम यहाँ पे सेंड भी करा सकते हैं। ठीक है यहाँ पे लिखते हैं एरर्स उसके बाद ये और उसके बाद फिर से एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं अब हम यहाँ पे फिर से हमने सेंड रिक्वेस्ट करी तो देखो क्या दे दिया फादर नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। तो इसने हमें नेम एज और उसके बाद हमें यहाँ पे फादर नेम भी ऐड ऑन करना पड़ेगा तो करते हैं यहाँ पे फादर अंडरस्कोर नेम और फादर नेम में हम कुछ भी दे सकते हैं लाइक कोड फादर्स नेम में दे सकते हैं अभिजीत गुप्ता। ठीक है ओके अब हम इसको सेंड करते हैं यहाँ से तो देखो हमारा जो डेटा था वो सेव हो गया है मैसेज यू सेंट। यहाँ पे हम मैसेज में एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं लाइक योर डेटा इज सेव्ड करके और जब हम यहाँ पे सेंड करेंगे सर्वर फिर से हमारा बंद हो गया है आवाज़ एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है तो अब हम यहाँ पे जब पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया पेलोड आ गया हमारा नेम इज इक्वल टू कोड कीन एज हमने जो भी भेजी थी यहाँ पे फादर्स नेम है अभिजीत गुप्ता और ये जो सारे रिकॉर्ड्स हैं अगर हम एडमिन पैनल में जाएं तो ये हमें सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएंगे। हम आते हैं स्टूडेंट्स में आने के बाद में तुम देख सकते हो कि जो भी रिकॉर्ड थे वो हमारे सेव हो गए हैं कोड कीन अभिजीत गुप्ता इन सब करके। और अगर हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करेंगे लाइक यहाँ पे जब हम पहले इसमें जाएं और यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करेंगे तो ये हमारे पास सारा का सारा डेटा आ भी रहा है। तो इस तरीके से कि लाइक हम serializer को यूज़ करके अपने गेट पोस्ट मार सकते हैं। अब हम इसी तरीके से इसमें डिलीट रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद में लाइक बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डिलीट रिक्वेस्ट बना सकते हैं पोस्ट रिक्वेस्ट बना सकते हैं पैच पोस्ट रिक्वेस्ट हमने बनाई पैच पुट इन सब को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे लाइक एपीआई डेकोरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम थोड़े थोड़े एडवांस लेवल पे जाएंगे लाइक क्लास में क्लास एपीआई व्यू यूज़ करेंगे उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि कैसे तुम दो लाइन में जो भी हम इतनी सारी चीज़ें लिख रहे हैं लाइक 2-3 लाइन में हम यूज़ करके अपनी पूरी की पूरी एपीआई बना सकते हैं। सो लाइक If you haven't subscribed the video channel, please do subscribe. Meet you in the next video. Till then, goodbye.